दोनों ने प्लानिंग करके ये वीडियो तीसरी बार बुला रहे हैं। हाँ तो बुला लियो भी है। शूटिंग। हाँ। कट। हाँ। कट। और फिर क्या बन रहा है? Hey guys, good morning. So, आज है शूट का दूसरा दिन और अभी हम लोग तैयार हो गए और देख सकते हैं आज का आउटफिट ये अपने गुरी भाई। वेलकम बैक गाइस, अगला दिन है शूट का और आप देख सकते हैं कैसे सो रहा है। डे टू और डे टू में हम खा रहे हैं परांठे। 11 बज गए हैं, आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं और अब जाके हम निकल रहे हैं सारा सामान लेकर। तो अभी पता भी नहीं है कहाँ पे जाना है। नहीं, ये पता है कि सिसु साइड जाना है, बट ये नहीं पता एग्जैक्टली कि उसके बाद और कहाँ कहाँ जाना है। तो लेट हो गए हैं यार, चलो फटाफट से चलते हैं। पहले तो गाड़ी में सामान डाल देते हैं, फिर देखते हैं। सो ऑल सेट टू गो। यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये अपने गुरी भाई और अपने पंकज भाई और वहाँ पर भाभी जी एंड यहाँ पर देवी जी। ओहो, सुनील भाई को कैसे भूल सकते हैं यार, कैसे हैं? बढ़िया, मजे में। तो चलिए जरा अब प्रस्थान करते हैं अपनी अगली लोकेशन पे, है ना? अपने रथों में बैठो, सैनिक रथों में बैठो। क्या कह रहे हो सारथी? So finally guys, हम पहुंच गए अपनी लोकेशन में। यार अगर कहीं जन्नत है ना तो कश्मीर में ही है, देख रहे हो आप कैसे? अच्छा, सिसु में भी है। So yes, apart from jokes, हम पहुंच गए हैं सिसु। So आज वहां जाना, हमने पार जाओ वाटरफॉल दिख रहा है तो हमने वाटरफॉल के पास जाना है। तीन बार मैं सिसु आया हूँ लेकिन एक बार भी उस वाटरफॉल के पास नहीं गया। तो आज फाइनली वो दिन आ गया, 3 सालों के बाद, नहीं सॉरी 3 दिनों के बाद। जन्मों भी है, छोड़ो इसको, जन्मों के बाद। सो गाइस, अभी बहुत तेज हवा चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको आवाज आ रही होगी। तो ईश्वरी जी बोल रहे हैं कि ये रिवर है और ये नदी है। पूरे शूट में मेरे बाल भी इस तरह के उड़ रहे थे और मेरा मुर्गा बना हुआ था, चुड़ैल बनी हुई हूँ मैं, ये देखिए आप, बहुत ज्यादा तेज हवा है, बहुत ही ज्यादा तेज हवा। और जो हालत बालों के हुए है ना, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे पहाड़ बना हुआ था। सो हम जा रहे हैं अभी वाटरफॉल के पास, जो सिसु वाटरफॉल है, वहाँ हेलीपैड से जो वाटरफॉल दिखता है पार्ली साइड को नदी के पार, तो वहाँ पे जा रहे हैं और साथ ही पूरी टीम एंड पीछे से 2 लोग और आ रहे हैं, कीड़े की भांति दिख रहे हैं अभी तो वो छोटे छोटे से। और बहुत जाना पड़ता है यहाँ पे ऊपर, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सुशील को पता होगा कितना दूर है। कॉपीराइट। और इस मफलर का एक काम भी हो गया ऐसे ठंड से बचने का, काफी ठंड है यहाँ पे बहुत ज्यादा। सिसु की स्पीति की वादियों में अब बड़ा टास्क है यहाँ से ऊपर तक पहुँचना, पर चलो चलते हैं। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ यहाँ से किस तरह का रास्ता है ऊपर तक जाने का, बिल्कुल एकदम से खड़ी चढ़ाई। और ये देखो ये रास्ता है और वहाँ ऊपर जाना है हमको, तो कुछ इस तरह का सारा नज़ारा है अभी का। और शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे, पानी की आवाज़ आ रही है और पता नहीं आप लोगों को कितनी आवाज़ आ रही होगी, बट चलो चलते हैं, बाकी ऊपर मिलते हैं। इस टाइम हम इतने खतरनाक रास्ते में चल रहे हैं और यदि यहाँ से कोई छूटता है तो सीधा वहाँ जाएगा घूमता हुआ, छूटता नहीं है। तो पहुँच गए अब। इसी के साथ दर्शन हो चुके हैं सिसु वाटरफॉल के, वो देखो वहाँ है
वाटरफॉल एंड यहाँ पर सब होने वाले हैं फॉल, लाहौल स्पीति के पहाड़। आजो आजो, शाबाश। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर सिसु वाटरफॉल के पास। नमस्कार, एक बार फिर से सूर्य नमस्कार करते हुए और धूप भी आ गई है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी बादलों के बीच से। और यहाँ देखो ये वाटरफॉल है, वो पीछे दिख रहा हो अगर आप लोगों को, तो आ रही है। तो आप देख सकते हैं हम कितने क्लोज आए हुए हैं वाटरफॉल के। ये देखो बहुत क्लोज आए हैं, थोड़ा सा पीछे, वहाँ पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पता क्या है बहुत हाँ भी जाएगी, छोटी छोटी बूंदे आ रही है बहुत सारी, तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारा शूट यहाँ पर वाटरफॉल के पास कंप्लीट हो गया है और आए तो हम बड़े आराम से थे क्योंकि चढ़ाई बहुत आराम से चढ़ी जाती है, लेकिन अब बहुत टफ टास्क है उतरने का। देखो छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। देखो देखो इनका हाथ। चलो चलो चलो, यहाँ पे प्रॉपर रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है नीचे उतरने का। हाँ जी बाजी, हाँ जी शिवानी जी, शिवानी जी सुनो, शिवानी जी सुनो, गजब बेइज्जती है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे सॉन्ग का शूट कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं अगले सॉन्ग के शूट के लिए। ये जो गाड़ी चला रहे जी, ये कैमरे को संभाल जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। घोड़े चोड़ा ये तो कैमरा मोड़ के हमारी तरफ है, क्यों लाला 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 अब हम सिसु से थोड़ा सा आगे आए हैं थंग थंग विलेज में और यहाँ पर सेकंड शॉट, सेकंड सॉन्ग का शूट हो रहा है, सेकंड शॉट का सॉन्ग हो रहा है। इनको क्लिप से नहीं देनी मैंने। तो गाइस अभी हम लोग हैं मड हाउस में, कहाँ इस जगह को क्या बोलते हैं, मड हाउस नहीं नहीं इस जगह को क्या बोलते हैं, जगह है थंग थंग विलेज, थंग थंग। हम एंशियंट मड हाउस होम स्टे में यहाँ पर है और अभी हम लोग ये एक लाहौली चाय चाय नमकीन चाय टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं भूत लग रही हूँ। वेट अ मिनट, काम करने वाले बस ऐसा लगना चाहिए। चाय पी लो। और सर कैसे हैं आप सभी? वो दिए जूते वाले, सुनो ये नमकीन चाय है लाहौल की। ओके नाइस। क्या क्या डाला होता है अंकल जी? दूध है एक तो। दीदी तो जैसा कि ने बताया है लाहौली चाय, पता नहीं हमें क्या है कैसे बनी है एक्चुअली, वो आएंगे और बताएंगे। सांस नहीं आ रही मेरे को इसमें, ठीक है। कैसी लगी, अजीब लगी? छूट हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे रितु जी ठुठुर रहे हैं और वहाँ गोरी जी तैयार हो रहे हैं शॉट के लिए। आइए आइए। तो ये देखो आप देख सकते हैं वहाँ पे चोटियों पे बर्फ पड़ी हुई है, जो कि अभी एक दो दिन पहले ही बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चली है। अभी हमारे को कुछ नई डिश मिल रही है खाने के लिए, जैसा मैंने बोला अभी हमारे को कुछ डिश आई है, यहाँ पर टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं। लॉटे ऐसे नहीं होते, और इन्होंने क्या बोला था, डोसा। चलो इसको हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, नॉट ट्राई, लेट्स टेस्ट इट। टेस्टी है, एलेक्स, एलेक्स पता है कौन है? एलेक्स दिखाते हैं आपको, एलेक्स लगा रहा है मक्खन, अब मुझे भी खिलाओ। तो हमारे साथ दी है जो हमारे को ये टेस्टी सी आइटम खिलाती है, क्या बोलते हैं इसको? इसको मन्ना कहते हैं। मन्ना, मन्ना कहते हैं इसे, ट्रेडिशनल फूड है हमारा ना। अच्छा, और ये आटे से ही बना हुआ है। अच्छा, आटा, इसमें काला जीरा, नमक है और देसी घी, घी के साथ बहुत टेस्टी है। देखो कंफ्यूजन बहुत थी, फिर हमने सोचा मन्ना पे ध्यान दिया जाए। मन्ना जो लाहौल का जो काला जीरा रहता है वो, और साथ में नमक, बहुत ये तो बहुत बहुत ही यम्मी है। ओके, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम आखिरी चरम पर पहुंच चुके हैं गुरी भाई के शूट में भी, तब लिटरली टेम्परेचर माइनस हो जाने वाला है, बर्फ पड़ी हुई है वो चोटियों पे और ठंडी, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है,
बहुत ज्यादा ठंड है। सनसेट हो रहा है वहाँ पे ना, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये है मड हाउस में इंटीरियर। और जूले अच्छा अच्छा इसको शुर कहते हैं, लेउर भी कहते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, देवदार का जो पेड़ होता है ना। हां जी, इसको हाथों में रखेंगे फिर जब मैं यहां पर दूध में वो करूं। ढाल जी लेफ्ट साइड हां, इनका उस साइड साथ में लगाते हैं इसको ना, जैसे कपल्स होंगे उनको ही साथ में लगता है ये। बाकी तभी मैंने इसमें लगाया है, लड़कियों में साथ में लगा सकते हैं। ढाल जी हेलो, से हेलो 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 हेलो। कहाँ से डर नहीं लगता? मैंने भी कुत्ते पाले हुए। मैंने नहीं पाले, डर भी लगवा है मेरे को, खेलने का भी है मेरे को। खाली मेरी बाजू, खाली तू खाली बाजू मेरी।